नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बेस्ट पीएसयू शेयर्स के बारे में शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए। और दोस्तों, इसमें बीपीसीएल, एनएमडीसी और कोल इंडिया तीनों ही शेयरों को हमने चूज किया है और तीनों ही काफी करेक्टेड रेट पे अवेलेबल हैं। और इस समय हम लोग 30% अपसाइड के टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सीधे न्यूज की तरफ चलेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें और उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। दोस्तों, ये सिर्फ हम लोग एजुकेशनल पर्पज के लिए ही करते हैं। यहां से दोस्तों आगे मूव कर रहे हैं हम लोग, सीधे चलते हैं चार्ट। दोस्तों, हम लोग चार्ट चेक बाद में करेंगे और तीनों ही शेयरों के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट भी बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, जरूरी है एनएससी का आज का डेटा जानना। एनएससी का डेटा दोस्तों ये कह रहा है, एनएमडीसी का शेयर आज दोस्तों 1,04,00,000 शेयर ट्रेडेड हुए, जिसमें 53% के ऑलमोस्ट डिलीवरी परसेंटेज रही। तो एक बहुत ही बढ़िया डिलीवरी परसेंटेज है 53%। और वेरिएबल जो रिस्क मार्जिन जो रेट है वो 21%, यानी रिस्क यहां से 21% का नजर आता है शेयर में, काफी कम रिस्क है दोस्तों। वही दोस्तों, अगर हम बीपीसीएल का देखें तो बीपीसीएल में आज बहुत ही कम ट्रेडेड वॉल्यूम रहे। नॉर्मली दोस्तों लगभग 1 करोड़ के आसपास रहते हैं, आज बहुत ही कम ट्रेडेड वॉल्यूम रहे, लगभग 22 लाख के आसपास ट्रेडेड वॉल्यूम रहे, जिसमें से 43% की डिलीवरी रही। और दोस्तों, रिस्क काफी कम है 16.67% का। वही दोस्तों, तीसरा शेयर है कोल इंडिया का। दोस्तों, इसमें आज 74 लाख वॉल्यूम ट्रेडेड हुए हैं, काफी वॉल्यूम में, और डिलीवरी भी 41% की रही और रिस्क इसका भी काफी कम है। तो अगर दोस्तों एनएससी के डेटा पे देखें तो एनएमडीसी में काफी हायर डिलीवरी है और इसके अपसाइड जाने के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि डिविडेंड के आसपास की डेट है। अब हम दोस्तों सबसे पहले चर्चा करेंगे, बताएंगे कि एनएमडीसी कोल इंडिया में शेयर गिरा क्यों। उसका पीछे रीजन है दोस्तों कि इन्होंने 9 रुपए का डिविडेंड दिया था, और जो कि लगभग 7.5% कह सकते हैं कि है। तो 9 रुपए का डिविडेंड दिया, वो एक बड़ी चीज थी। और यहां से कोल इंडिया की जो रिकॉर्ड डेट थी वो 7 दिसंबर थी। तो आप यहां से देखिए कोल इंडिया का चार्ट, तो आपको क्लियर नजर आएगा, ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो 159 रुपीज था, ये डिविडेंड एडजस्टमेंट हुआ है लगभग 150 रुपए के आसपास। तो लगभग 9 रुपए का करेक्शन देखने को मिला, दिस इज द डिविडेंड एडजस्टमेंट, ये कोई करेक्शन नहीं है दोस्तों। वॉल्यूम अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पे दोस्तों कोल इंडिया के लिए एक और खबर निकल के आ रही है, आज की न्यूज है दोस्तों 10 दिसंबर की, देख सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने बताया है कि आउटपुट अप, नो कोल शॉर्टेज आफ्टर दिसंबर। तो दोस्तों, कोई भी कोल की शॉर्टेज अब दिसंबर के बाद नहीं रहेगी और इंक्रीज्ड होगा प्रोडक्शन, सस्टेनेबिलिटी एंड ऑपरेशनलाइज्ड सब कैपिटिव माइंस। तो इनके जो माइंस है वो बेहतर वर्क करने लगेगी और मार्च एंड तक कोल जायंट लगभग 20,000 करोड़ पावर कह सकते ओन ₹20,000 करोड़ बाई पावर कंपनीज। तो एक ये बड़ी चीज है पावर कंपनी के लिए, और कह सकते हैं कि फुल फ्लेज तरीके से और अच्छे से रन कर पाएंगी। और ये न्यू पेमेंट सिस्टम ये बनाएंगे, जिसमें यू पे द 2/3 ऑफ व्हाट यू लाइक। तो दोस्तों, एक बड़ी चीज है जिसमें फंड रेज भी हो जाएगा इनका और सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी। कोल इंडिया लिमिटेड इन्वेस्टमेंट फर्दर करने जा रहा है, 14,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन टू फेसेस बाई 2025 फॉर द FMC प्रोजेक्ट एंड ₹19,650 करोड़ फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट बाई 2024। तो 2025 तक FMC प्रोजेक्ट में 14,000 करोड़ का निवेश करेगी कोल इंडिया, और साथ ही दोस्तों 19,000 करोड़ का निवेश करेगी रेलवे प्रोजेक्ट में बाई 2024। तो कोल इंडिया का यहाँ पे अगर हम चार्ट एनालाइज करें, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और सोच के चल रहे हैं, लगातार दोस्तों ये शेयर लगातार गिरता रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो लगातार इसमें एक करेक्शन बना हुआ है। कभी ये शेयर 450 के लेवल पे भी चलता था, और यहां से इसने करेक्शन 112 रुपए के आसपास तक दिखाए।
दोस्तों डाउनसाइड रिस्क तो काफी कम है इस शेयर में। अगर हम देखें तो 100 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस रख ले, मात्र 50 रुपए डाउनसाइड, तो दोस्तों ये शेयर अपसाइड 300 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है नियर टर्म में। हालांकि काफी दिनों से परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन दोस्तों ये शेयर आपको रिटर्न दिखा सकता है जिस तरह से इनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में दोस्तों जिस तरह से डिविडेंड एडजस्टमेंट हुआ है, अब यहाँ से स्टॉप लॉस तो बहुत ही कम है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा मात्र 147 रुपीज, 4 रुपए डाउन साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, यहां से ये लगभग ये वाला जो जोन है, मैं आपको कैंडल बना देता हूं, ये एक फेस है 134 रुपीज। और दोस्तों एक और फेस मैं आपको बताऊं, एक यहां से बुलिश कैंडल बनी थी ये फेस। तो ये शॉर्ट टर्म में आप 147 का स्टॉप लॉस ले, 146 के अराउंड स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और यहां से एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला था जो कि रैली 200 प्लस के लेके ले गए। तो यहां से आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखिए, 5 रुपए डाउन साइड का है रिस्क। और अपसाइड दोस्तों जो पहला टारगेट होगा, ये गैप फिलिंग प्रोसेस जरूर होगी और लगभग 157 रुपीज के पहले टारगेट नजर आएंगे, 2 से 4 दिन के अंदर ही आपको नजर आ जाएंगे। वही दोस्तों जैसे ही ये शेयर 160 प्लस लेवल क्रॉस करेगा, आपको 170 प्लस के भी टारगेट नजर आएंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको स्टॉप लॉस 134 का रखना पड़ेगा। तो 134 का स्टॉप लॉस लगाइए और 170 के टारगेट के लिए पहला टारगेट 170 और दूसरा टारगेट दोस्तों 200 प्लस के हम लोग लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 134 लेके चलना पड़ेगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। वही दोस्तों अगर हम दूसरा शेयर देखते हैं बीपीसीएल, तो बीपीसीएल की जो न्यूज है वो है बिना रिफाइनरी मर्जन प्लान गेट्स डीआईपीएम गो अहेड। तो इनका डिसइन्वेस्टमेंट से पहले एक मर्जर प्लान आ रहा है, आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट बाउंड बीपीसीएल एक्वायर्ड ओमान स्टेट ओन्ड पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट कंपनी क्यूक्यू एंटायर स्टेक इन द बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट। तो दोस्तों एक बड़ी चीज है, द कंपनी हैज नाउ गेट क्लियरेंस फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट फॉर द मर्जर ऑफ द रिफाइनरी विद द बीपीसीएल। तो कहीं ना कहीं बीपीसीएल के साथ मर्जर इनका हो रहा है, ये एक बड़ी चीज है और इसका फायदा डेफिनेटली बीपीसीएल को मिलेगा। अब बीपीसीएल के अगर हम चार्ट चेक करें दोस्तों, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊं, बहुत ही बढ़िया चार्ट है, साइडवेज चार्ट की तरह वर्कआउट कर रहा है। और एक यहां से देखिए बुलिश ट्रेंड में लगातार रहा, लेकिन ये एक लेवल रेजिस्टेंस का लेवल था 549, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहां से अभी जो रिसेंट हाई बना है वो 505 के बनाए, जहां से काफी करेक्शन आ चुका है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं यहाँ पे लॉन्गर टर्म का, तो ये एक बेस है दोस्तों, 276 रुपीज ये बेस है और अपसाइड जो रजिस्टेंस है वो 551 का है। तो 551 का अगर आप टारगेट के लिए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म में 3-4 साल के लिए, तो 278 के स्टॉप लॉस इसमें बनाए रखें। वही दोस्तों आपको अगर हम शॉर्ट टर्म में लेके चले, शॉर्ट टर्म में दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें नजर आ रहा है आपको। मैं आपको यहाँ पे एक ये लाइन खींच देता हूँ और अपसाइड, अब यहां से जो ये वाला लेवल निकल चुका है दोस्तों, अब यहां से जो टारगेट आएंगे वो 430 के टारगेट पहला टारगेट और दूसरा टारगेट दोस्तों 470 का। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 368 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है डाउनसाइड। देखिए वॉल्यूम लगातार पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, आरएसआई न्यूट्रल हो चुकी है ओवरसोल्ड से, तो 367 का स्टॉप लॉस लगाएं। करंटली 397 के रेट पे है पहला टारगेट, यहां से दोस्तों अब ये क्रॉस होने के बाद ही 435 का लेवल नजर आएगा। तो 435 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 470 नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, मात्र कह सकते हैं कि यहाँ पे 30 रुपए के आसपास डाउनसाइड है और पहला टारगेट लगभग 38 रुपए का यहाँ पे नजर आता है और दूसरा टारगेट लगभग 70 रुपए के नजर आते हैं, 70 से 75 रुपए। तो ये दोस्तों बीपीसीएल के लिए है। वही दोस्तों एनएमडीसी के लिए तीसरी न्यूज निकल के आ रही है कि एनएमडीसी अनाउंसेस ₹9 पर शेयर डिविडेंड रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड एट 14 दिसंबर। तो 9 रुपए का डिविडेंड है, काफी भारी भरकम डिविडेंड दे रही है कंपनियां। लगभग 6.5% अगर हम करंट प्राइस से देखें
तो 6.5% के आसपास है और जिसकी रिकॉर्ड डेट आपको 14 तारीख, यानी दोस्तों आपका कहीं ना कहीं आपका आपको शेयर 12 तारीख से पहले लेने पड़ेंगे, जिससे आपके खाते में क्रेडिटेड रहे, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। अब दोस्तों डिविडेंड जैसे जब भी भारी भरकम कंपनियां डिविडेंड देती हैं तो डिविडेंड एडजस्टमेंट भी होगा, और डिविडेंड एडजस्टमेंट दोस्तों लगभग 9 रुपए का, आप जिस दिन रिकॉर्ड डेट होगा उस दिन आप करेक्शन आते हुए देख सकते हैं, 8 रुपए से 9 रुपए तक के एडजस्टमेंट जरूर हो जाएंगे। तो डिविडेंड के लिए नहीं लेना चाहिए आपको कभी भी शेयर, लेकिन दोस्तों आपको फ्रेश बाय अगर करना है तो दोस्तों शेयर बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है। आप देखिए यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, यहाँ से मैं देखिए दिखाता हूँ आपको, ये एक बुलिश ट्रेंड बना, ये आपको ट्रेंड लाइन देखिए, ये दोस्तों 130 रुपए का स्टॉप लॉस क्लियर नजर आता है। अगर करंट प्राइस देखें तो लगभग कह सकते हैं कि 17 रुपए डाउन साइड। वहीं पे दोस्तों जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 150-160 अराउंड है, और जो दूसरा टारगेट है 185, और जैसे ही 185 निकलेगा दोस्तों हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 212 रुपए तक के टारगेट। तो दोस्तों काफी बड़े बड़े टारगेट हैं। वहीं पे दोस्तों आपको जो स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए वो पहला, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 130 का स्टॉप लॉस लगाइए, 160 के टारगेट रखिए। वहीं पे दोस्तों अगर दूसरे लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो 106 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 200+ के टारगेट। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड दोस्तों देखिए तो 42 रुपए डाउन साइड लॉन्ग टर्म में, और अपसाइड लगभग 212 रुपए, यानी करंट लेवल से बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो सारे शेयरों में वॉल्यूम बहुत बढ़िया, NMDC में डिविडेंड भी बहुत अच्छा, तो मेरी सलाह ये दोस्तों तीनों ही शेयर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखें। शॉर्ट टर्म में अपसाइड बन सकते 5-6% के, लेकिन दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर लेके चलेंगे तो 30-40% आपको बड़े आराम से बनते हुए इन शेयर में नजर आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।